खबर अंबिकापुर से, जहां सरगुजा संभाग के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उस वक्त लापरवाही सामने आई जब नवजात बच्चे को ब्लड की जरूरत पड़ी तो नर्सों ने बी पॉजिटिव की जगह ओ पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया। दरअसल बिस्तर मातृ शिशु एवं अस्पताल में एक परिवार डिलीवरी करवाने आया हुआ था। डिलीवरी के बाद बच्चे को SNCU वार्ड में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार बच्चा कमजोर होने पर डॉक्टर ने ब्लड चढ़ाने के लिए परिजनों से कहा, जिसके बाद परिजनों ने ओ पॉजिटिव ब्लड की व्यवस्था की और बच्चे को ब्लड चढ़ा दिया गया। वहीं दूसरे दिन और ब्लड की आवश्यकता पड़ने पर परिजनों को एक बार फिर ब्लड लाने को कहा गया, लेकिन जब पर्ची में परिजनों ने बी पॉजिटिव देखा तो घबरा गए, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। इधर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक लखन सिंह को जानकारी लगी तो तत्काल 3 सदस्यीय टीम बनाकर मामले की 3 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा और दोषी पाए जाने पर कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने भी जल्दी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। वहीं मेडिकल कॉलेज अधीक्षक ने बताया कि बच्चे की हालत अभी स्थिर है, किसी भी तरह से परिवार को घबराने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा ब्लड चढ़ गया है, उसमें चढ़ा है, उसमें देखा भी कि ओ पॉजिटिव चढ़ गया है और है ब्लड बी पॉजिटिव। अपने आंखों से मैं मतलब करवाया हूँ तो बी पॉजिटिव है और ओ पॉजिटिव चढ़ गया है, तो थोड़ा लापरवाही तो हुआ है। हुआ था, उसको ब्लड की आवश्यकता थी। मैं मेरे जानकारी में जैसे ही आया वैसे ही मैंने विभागाध्यक्ष के वहाँ बात किया पीडियाट्रिक में, और ब्लड बैंक विभागाध्यक्ष से भी, उनसे और प्रभारी से भी बात किया। दोनों ने अपना अपना पक्ष रखे हैं कि उनके तरफ से उन्होंने सैंपल भेजा है, ब्लड बैंक की तरफ से भी उन्होंने बोला कि हमारे पास जो सैंपल आया है उसमें ग्रुप था। निश्चित तौर पर बाद में जो सैंपल उसको क्रॉस चेक किया गया है तो उसमें बी पॉजिटिव आया है। मिलते जुलते नाम के दो बच्चे थे और बी पॉजिटिव की जगह ओ पॉजिटिव ब्लड किसी कारण से मिल गया, जांच के आदेश दे दिए गए हैं।